तो फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ डायमेट्री 8300 वर्सेस डायमेट्री 8050। ये जो वीडियो है ये एक फैन डिमांडेड कंपेयर वीडियो है, तो फैन डिमांडेड कंपेयर वीडियो वाली प्लेस में भी जाएगा एंड डायमेट्री 8300 में भी जाएगा, 8050 में जाएगा। तो देखते हैं कि आज इन दोनों प्रोसेसर के बीच में कितना डिफरेंस क्रिएट होता है एंड फाइनली कौन सा प्रोसेसर कितना बेटर होता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टिक रूम। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब अनाउंस डेट की। तो 8300 अनाउंस किया गया था नवंबर 2023 में एंड 8050 मई 2023 में अनाउंस किया गया था। क्लास को देखा जाए तो 8300 फ्लेक्सिबल लेवल क्लास में आएगा एंड 8050 मिड रेंज क्लास में आता है। एंड यहाँ पे आपको मैं याद दिला दूँ कि टेक्नो कैमॉन 20 प्रो भी आपको देखने को मिलेगा, 8050 एंड इन्फिनिक्स GT10 प्रो पे भी मिल जाएगा। वहीं पे 8300 अल्ट्रा आपको देखने को मिलता है पोको X6 प्रो पे एंड ये परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल के देता है। तो लास्ट में कंक्लूजन भी देखेंगे कि सीपीयू परफॉर्मेंस गेमिंग परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस बन रहा है। एंड अब बताता हूँ यहाँ पे आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर वाइज दोनों जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं। 8300 में फर्स्ट कोर 3.35 GHz पे क्लॉक मिलेगा कॉर्टेक्स A715। वहीं पे थ्री कोर 3.2 GHz पे क्लॉक देखने को मिलेगा कॉर्टेक्स A715। मतलब यहाँ पे आपको चार परफॉर्मेंस के कोर देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे चार बैटरी फिजिक्स के कोर हैं 2.2 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A510। नेक्स्ट देखते हैं 8050 में। तो यहाँ पे 8050 में फर्स्ट कोर 3 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A78, थ्री कोर 2.6 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A78, फोर कोर 2 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A55 का सपोर्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी आपको वही मिल रहा है कि फोर परफॉर्मेंस का कोर मिलेगा एंड यहाँ पे फोर जो है वो बैटरी इफिशियंसी का कोर देखने को मिलेगा। डिफरेंस अब देखिए कि यहाँ पे आपको कॉर्टेक्स A78 का सपोर्ट मिल रहा है जो कि कॉर्टेक्स A715 से थोड़ा प्रीवियस वर्जन जेन है एंड यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्लॉक आपको मिलेगी वो 3 GHz पे, जबकि यहाँ पे आपको 3.35 पे मिलेगी। तो थोड़ा बहुत इससे परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा एंड यहाँ पे जो इसका थ्री कोर है जो कि 3.2 GHz पे क्लॉक है 8300 का, वहीं पे 8050 का 2.6 पे क्लॉक है। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस यहाँ पे आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिफरेंस थोड़ा और भी क्रिएट होगा। फ्रीक्वेंसी मेजर पर टर्बो की बात की जाए तो यहाँ पे जो उसकी मैक्स क्लॉक स्पीड है 8300 की 3350 MHz तक जा सकती है, वहीं पे 8050 की 3000 MHz तक जा सकती है। यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे कि आपको 350 का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, बट जो बाकी थ्री कोर है उसमें काफी डिफरेंस है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फैब्रिकेशन की। तो फैब्रिकेशन में आपको हर बार बताता हूँ कि जिसका भी स्मॉल फैब्रिकेशन होगा वो प्रोसेसर उतना ही बेटर बन जाएगा बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस में। यहाँ पे डायमेंसिटी 8300 जो है वो 4 नैनोमीटर TSMC बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ आता है एंड 8050 ये 6 नैनोमीटर TSMC बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो 4 नैनोमीटर वाला ज्यादा बैटरी एफिशिएंस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अच्छा रहेगा 6 नैनोमीटर वाले के कंपेयर में। देखते हैं हम यहाँ पे ग्राफिक सपोर्ट। तो ग्राफिक्स में जो मिलेगा डायमेंसिटी 8300 में वो है माली G615 MP6। इसका आर्किटेक्चर वॉलहॉल 4 है। वहीं पे 8050 मिलता है माली G77 MP9, इसका आर्किटेक्चर वॉलहॉल 1 है। जहाँ पे अगर आप कंपेयर देखेंगे दोनों ही जीपीयू के बीच में कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इसे समझने के लिए मैं आपको 3D benchmark आके बताऊंगा। इसके स्कोर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस हो रहा है एंड एक्चुअल गेमिंग ग्राफिक्स का टेस्ट भी बताऊंगा कि गेम में आपको कैसा सपोर्ट देखने को मिला है इन दोनों प्रोसेसर के साथ। नेक्स्ट बताता हूँ जीपीयू फ्रीक्वेंसी। तो डायमेंसिटी 8300 1400 MHz का सपोर्ट देगा एंड 8050 जो है 850 MHz का सपोर्ट देगा। तो जीपी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 8300 की थोड़ी बेटर है जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी। वैसे G615 तो बेटर जीपी है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को देखते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में 8300 का जो स्कोर आएगा वो 2000+ आएगा, जबकि जो 8050 का है वो 979 आता है। मतलब यहाँ पे ये जो नंबर है आप इसके हिसाब से देखेंगे तो लो है एंड यहाँ पे ये हाई प्लस जाता है। वैसे अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते आए हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये 100 लिखा रहता था क्योंकि तब इतने प्रोसेस स्ट्रॉन्ग आए नहीं थे, लेकिन अभी का जो 8 Gen 3 है वो 3500 के भी ऊपर निकल जाता है, मतलब मेरे बार ग्राफ के भी ऊपर चला जाता है। मेमोरी टाइप की बात की जाए, मेमोरी टाइप सपोर्ट में जो डायमेंसिटी 8300 है वो LPDDR5X का सपोर्ट करता है। फोन में भी आपको यही देखने को मिलता है, पोको X6 प्रो में यही मिलेगा। विथ UFS कॉन्फ़िगरेशन UFS का सपोर्ट मिलेगा 4.0 एंड इसकी जो रैम फ्रीक्वेंसी रहती है वो 4266 MHz की रहती है, जबकि जो 8050 में आपको LPDDR4X का ही सपोर्ट मिलेगा जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी मेमोरी की। इसकी रैम फ्रीक्वेंसी भी कम है तो 2133 MHz की स्पीड ही मिलेगी। एंड आप अगर स्टोरेज टाइप को देखा जाए जो कि रीड एंड राइट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो यहाँ पे जो UFS 4.0 का भी रहता है
तो 4.0 ज्यादा बेटर है यूएफएस के 3.1 वर्जन से, जबकि यूएफएस 3.1 भी एक अच्छा वर्जन है, ये आपको स्नैपड्रैगन 8 जिन 1 भी देखने को मिल जाता है। अब बताता हूँ यहाँ पे गेमिंग ग्राफिक्स का टेस्ट। तो डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा का मैंने यहाँ पे डेटा लिया है, जो कि पोको X6 प्रो पे देखने को मिल रहा है, एंड 8050 का डेटा मैंने इन्फिनिक्स GT10 Pro से लिया है, बिकॉज इसी पे सबसे पहले 90 FPS देखने को मिला था, मतलब टेक्नो कैमोन पे तो 60 आया था उस टाइम, इस पे 90 आ रहा था। बात करें यहाँ पे फ्री फायर मैक्स की, तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो फ्रेम रेट देखने को मिलेगा वो 90 एंड 60 का होगा बाई डिफॉल्ट का, एंड ग्राफिक्स सपोर्ट जो है मैक्सिमम 60 के साथ मैक्स हाई सपोर्ट दोनों ही प्रोसेसर कर सकते हैं। एंड अगर बात की जाए BGMI की, तो यहाँ पे आपको दोनों ही प्रोसेसर के साथ 90 सपोर्ट मिलेगा, ग्राफिक सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर जो है मैक्सिमम HDR अल्ट्रा तक ही जा सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी को देखा जाए तो कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको मिलेगा 60 या 60 का सपोर्ट, ग्राफिक सपोर्ट में जो डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा, इसमें वेरी हाई के साथ वेरी हाई सपोर्ट मिलेगा, 8050 थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें वेरी हाई के साथ मैक्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो हाई ग्राफिक्स के मामले में तो यहाँ पे आपको मैक्स मिल रहा है, बट बेटर परफॉर्मेंस की अगर बात किया तो यहाँ पे आपको G615 देखने को मिलेगा, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में ये G77 से काफी बेटर रहेगा। नेक्स्ट बताता हूँ यहाँ पे वीडियो कैप्शन वीडियो प्लेबैक, दोनों ही प्रोसेसर जो सपोर्ट करेंगे वो सिमिलर हैं, 4K@60 FPS का सपोर्ट करेंगे वीडियो पे कैप्चर हो या वीडियो प्लेबैक। वहीं पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात किया है तो 8300 में सपोर्ट मिलता है 2916x1440 pixels, एंड जो आपको पोको X6 प्रो देखने को मिला है इसमें आपको 1.5K का डिस्प्ले भी मिल जाता है। 8050 में 2520x1080 pixels का डिस्प्ले मिलता है, मतलब ये एक FHD डिस्प्ले सपोर्ट कर सकता है। NPU की बात किया तो यहाँ पे 8300 जो है MediaTek APU 780 सपोर्ट के साथ आता है, वहीं पे 8050 MediaTek 570 सपोर्ट के साथ आता है। कनेक्टिविटी की बात किया तो यहाँ पे कनेक्टिविटी दोनों जो प्रोसेसर आते हैं वो 5G सपोर्ट कर लेते हैं। 4G सपोर्ट की बात किया तो यहाँ पे आपको LTE Cat 18 का सपोर्ट मिल जाएगा, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 5.4 की होगी एंड 5.2 की होगी, मतलब बेटर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी तो 8300 के साथ हुई, एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी में दोनों जो प्रोसेसर सपोर्ट करेंगे वो 6 सपोर्ट करते हैं। दोनों ही प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम ही है कनेक्टिविटी के मामले में, बट यहाँ पे ब्लूटूथ 5.4 की टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसकी वजह से ये बेटर हो जाता है। प्लस यहाँ पे बैंड का सपोर्ट जरूर चेक कीजिएगा कि यहाँ पे आपको कितने बैंड सपोर्ट मिले, जिसमें भी ज्यादा बैंड मिल रहे हैं वो 5G बेटर प्रोवाइड करेगा आपको। बताता हूँ बेंचमार्क स्कोर गीग बेंचमार्क सिंगल को परफॉर्मेंस के साथ। यहाँ पे सिंगल को परफॉर्मेंस में डायमेंसिटी 8300 का स्कोर आएगा 1501, वहीं पे 8050 का स्कोर आएगा 1108। तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको कॉर्टेक्स A78 का सपोर्ट मिल रहा है 8050 में, जिसकी सारी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रही है, प्लस ये 6 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है। वहीं पे मल्टी कोर का भी डिफरेंस इसी की वजह से हो रहा है कि 8300 जो है 4814 स्कोर करेगा, इसमें आपको कॉर्टेक्स का A715 मिल जाता है, 3350 MHz पे क्लॉक स्पीड मिल जाती है, एंड यहाँ पे 4 nm की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, एंड 8050 3388 स्कोर करता है। ये ज्यादा आपको जो डिफरेंस देखने को मिला है परफॉर्मेंस डिफरेंस तो जरूर क्रिएट करेगा रियल लाइफ में। अब बताता हूँ अंदुदू बेंचमार्क। अंदुदू बेंचमार्क में यहाँ पे सीपीयू जीपीयू रैम को भी काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो 8300 ये स्कोर करता है 1450,000 का, वहीं पे जो 8050 स्कोर करेगा 7,47,000 का। इस बार 8300 में आपको जो देखने को मिला है वो है माली का G615, एंड यहाँ पे आपको जो रैम टाइप देखने को मिला है वो LPDDR5X है, जो कि LPDDR4X से मच इम्प्रूव है। वहीं पे स्टोरेज टाइप भी जो देखने को मिली है वो UFS 4.0 की है, जबकि यहाँ पे आपको जो GPU देखने को मिला है वो माली G77, एंड इसमें LPDDR4X मिलेगा, बाकी यहाँ पे UFS का कॉन्फ़िगरेशन 3.1 का है। तो समझते हैं कि G615 एंड G77 में आप कितना डिफरेंस हो रहा है। 3D Mark को देखते हैं, तो 3D Mark वाइज यहाँ पे 8300 का स्कोर आएगा 8500 एंड 8050 का स्कोर रहेगा 4522। देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है कि G77 काफी पीछे, बट इन गेम ग्राफिक्स का अगर सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे 8050 में थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज मिल जाता है, कि कॉल ऑफ ड्यूटी में जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो 60 के साथ वेरी हाई मैक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे आपको वेरी हाई के साथ वेरी हाई ऑप्शन ही देखने को मिलता है। तो अगर बेटर ग्राफिक्स चाहिए तो 8050 प्रीफर कर सकते हैं, कि 60 वेरी हाई मैक्स मिल रहा है, बट बेटर परफॉर्मेंस इन गेम में यहाँ पे आपको 8300 ही देगा, बिकॉज में G615 आता है। अब बताता हूँ कंक्लूजन कि दोनों ही प्रोसेसर के बीच में कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो सीपीयू परफॉर्मेंस को देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे सीपीयू परफॉर्मेंस की बात किया तो 8300 का जो स्कोर आएगा वो है 74, वहीं पे 8050 का स्कोर आएगा वो है 49। तो डिफरेंस यहाँ पे काफी हाई क्रिएट हो रहा है,
वैसे ये जो स्कोर है फ्यूचर में कम भी हो सकता है, तो ये स्कोर को एकदम एग्जैक्ट स्कोर नहीं मानिए, यहाँ पे स्कोर फ्यूचर में 65 भी हो सकता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 8300 का जो स्कोर है वो 80 आता है, वहीं पे 8050 का स्कोर 53 आता है। हाँ यहाँ पे तो डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि G615 G77 से काफी पावरफुल रहता है। बात करते हैं यहाँ पे बैटरी लाइफ सपोर्ट की, तो बैटरी लाइफ सपोर्ट में यहाँ पे 8300 लीड करेगा, बिकॉज ये 4 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है, इसमें स्कोर आता है 91। वहीं पे 8050 जो है ये 6 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है, इसमें स्कोर आता है 84। तो बेटर बैटरी एफिशिएंसी वाला जो प्रोसेसर हुआ वो 8300 हुआ। एंड अगर टेक रूम स्कोर को देखा जाए, कि फाइनली कंक्लूड करते हैं कि कितना डिफरेंस होता है दोनों ही प्रोसेसर के बीच में, तो 8300 ओवरऑल 80 स्कोर करेगा, अच्छा प्रोसेसर ये। एंड पोको X6 प्रो में जो कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया है वो भी काफी बढ़िया है। वहीं पे 8050 की बात करें तो ये 56 स्कोर करता है, जब इन्फिनिक्स का GT10 Pro आया था तो वो भी काफी अच्छे स्पेक्स दे रहा था एंड काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा था, बट अभी यहाँ पे पोको X6 Pro जो आ गया है ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो डिफरेंस बताता हूँ कि आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा प्रोसेसर के बीच में। देखिए 8300 आपको मिल जाता है कॉर्टेक्स A715, जिसकी सारी फ्रीक्वेंसी 3350 MHz पे क्लॉक है, प्राइमरी फ्रीक्वेंसी, एंड बाकी जो सब फ्रीक्वेंसी है वो 3.2 GHz पे क्लॉक है। एंड ये जिसका जो फैब्रिकेशन हुआ है ये है 4 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, जहाँ पे इसकी वजह से बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। एंड नेक्स्ट देखा जाए इसका GPU को, तो इसमें मिलेगा आपको G615, जिसकी सारी फ्रीक्वेंसी बेटर है, 1400 MHz पे कोर क्लॉक रहते हैं। वहीं पे नेक्स्ट बात की जाए इसके रैम टाइप की, तो इसमें आपको 5X मिलता है विथ UFS कॉन्फ़िगरेशन 4.0। इसमें आपको 4K@60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, वैसे 60 FPS 4K का सपोर्ट आपको 8050 में भी मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.4 की टेक्नोलॉजी मिलती है, एंड यही सब चीजें जो है मिलके बना देती हैं 8300 को काफी बेटर। तो अगर आप इन दोनों प्रोसेसर में से कोई भी प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। और अगर आप इन दोनों प्रोसेसर रिलेटेड कोई भी स्मार्टफोन बाई करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अमेजोन एफिलिएट लिंक दी है, आप उससे बाई कीजिएगा ताकि मेरी हेल्प हो सके। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।